नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ डाइटिशियन शिल्पा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या होती है लो पोटेशियम डाइट और किडनी पेशेंट इसमें क्या खा सकते हैं। पोटेशियम एक मिनरल है जो कि नर्व और मसल फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पोटेशियम फ्लोइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। किडनी के पेशेंट्स को अक्सर कम पोटेशियम वाली फूड प्रोडक्ट लेने की एडवाइस दी जाती है। जब बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तब किडनी फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। ब्लड में हाई पोटेशियम को हाइपरकैलेमिया कहा जाता है, जो कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलती है। हाई पोटेशियम के कारण वॉमिटिंग और नोजिया हो सकता है। डायलिसिस के पेशेंट को पोटेशियम को रेगुलेट करने की ज़रूरत हो सकती है। डायलिसिस के ट्रीटमेंट के बीच अक्सर पोटेशियम लेवल बढ़ता है, इसलिए पोटेशियम वाली फूड प्रोडक्ट को इसमें लिमिटेड करने की एडवाइस देते हैं। अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखना है तो ज़रूरी है कि आप हाई पोटेशियम फूड्स को अपनी डाइट में से कम कर दें। लेकिन ये भी सच है, पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए किडनी पेशेंट्स को इसका लिमिटेड इंटेक करना चाहिए या लो पोटेशियम फूड प्रोडक्ट का इंटेक करना चाहिए। इसके लिए किडनी पेशेंट फूड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका लेवल चेक करके पता लगा सकते हैं कि वह किन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम बात करें लो पोटेशियम फ्रूट्स की तो कुछ फ्रूट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि एप्पल्स, ब्लूबेरीज, पेयर्स, पाइनएप्पल, क्रैनबेरीज एक्सेट्रा। इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स भी लो पोटेशियम में आते हैं, जैसे कि कैरेट्स, कैबेज, अनियन, समर स्क्वैश, रिच गार्ड, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा। किडनी के पेशेंट स्नैक में कुछ लो पोटेशियम फूड प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड बिस्किट्स, क्रीम क्रैकर एंड व्हीट बिस्किट्स। कुछ उपाय हैं जिन्हें फॉलो करके पेशेंट अपने ब्लड में पोटेशियम के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है किडनी पेशेंट अपनी डाइट से रिलेटेड अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर से बात करें। कोशिश करें कि इसके लिए आप अपनी डाइटिशियन की एडवाइस लें कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो किस तरह की डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड है हाई पोटेशियम फूड प्रोडक्ट को लिमिटेड करें, क्योंकि इससे आपकी किडनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे लिमिटेड करें। थर्ड है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लिमिटेड करें, क्योंकि इसमें हाई फॉस्फोरस पाया जाता है, साथ ही प्रोटीन भी इसमें हाई अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। फोर्थ है कैंड फूड प्रोडक्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या लिक्विड फूड प्रोडक्ट का इंटेक ना करें, क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम तो होता ही है बल्कि हाई सोडियम भी होता है। इससे आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। कैंड फूड प्रोडक्ट्स पर लेबल पढ़ें और जिन कैंड फूड प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड के अमाउंट ज़्यादा हो उन फूड प्रोडक्ट को भी अवॉइड करें। लेबल पढ़ने से इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में ले रहे हैं। लास्ट है पोटेशियम के साथ सॉल्ट के चॉइसेस और अनदर सीजनिंग से बचें, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो किस तरीके से लो पोटेशियम फूड अपनी डाइट में ऐड करें। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।